हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज कि नाउन क्या होता है। ओके और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके क्लास फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और अप टू एट्थ क्लास तक के बच्चों के लिए। ओके तो देखो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चों, नाउन इज द नेम ऑफ एनी, यानी जो नाउन होता है वो क्या होता है, एक नाम होता है। किसी का भी नाम जो होता है ना, उस नाम को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उस चीज़ का नाम तो होगा ना, है ना, उस नाम को ही कहते हैं नाउन। ठीक है ना, तो देखो, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी भी पर्सन के नाम को। जैसे पर्सन में आप जानते हैं, देखो जैसे किसी का नाम आ गया, जैसे राम। ठीक है, राम क्या है, एक पर्सन ही तो है, इंसान ही तो है। और जैसे टीचर, टीचर क्या है, टीचर भी एक इंसान ही है ना। अब कोई एनिमल टीचर तो नहीं हो सकती ना, है ना। तो किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, किसी प्लेस का नाम आ जाए, प्लेस जैसे जगह का नाम, जैसे टेम्पल है, टेम्पल क्या है, एक प्लेस है, जगह है। ऐसे ही पार्क, पार्क भी एक प्लेस है, है ना। ऐसे होटल है, हॉस्पिटल है, मान लो कोई विलेज है, शहर है, स्टेट है, कंट्री है, ये सब क्या है, ये प्लेस ही तो हैं, है ना। ये किसको बता रहे हैं, एक प्लेस को बता रहे हैं, एक जगह को बता रहे हैं, है ना। तो उसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है ना, तो उसको अभी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ऐसे मान लो कोई एनिमल है ना, तो एनिमल को बुलाने के लिए भी आप कोई नाम इस्तेमाल करोगे, है ना। तो किसी भी, जैसे कोई भी एनिमल है, अब एनिमल में जैसे डॉग हो गया, काव हो गया, काव हो गई, है ना, एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया। ठीक है, अब डॉग में भी किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे टॉमी। ठीक है, जैसे आपका कोई पालतू जानवर है, पैट है, उसका नाम है टॉमी, वो भी क्या है, एक एनिमल है ना। तो वो भी क्या हुआ, एक नाउन हुआ, है ना। तो नाउन क्या है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम। ठीक है, या फिर कोई थिंग है, कोई चीज़ है आपके आसपास, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो आप पढ़ रहे हो, आपके सामने मोबाइल रखा है, आपके हाथ में पेन है, आपके साथ पास बुक है, टेबल है, ये सब क्या है, चीज़ें हैं, है ना। तो वो भी क्या हुई, नाउन हुई। ऐसे बच्चों कुछ फीलिंग है जिनको हम फील कर सकते हैं, छू तो नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनको फील कर सकते हैं। जैसे आप खुश रहते हो किसी दिन, तो हैप्पी, है ना। तो ये भी क्या एक नाउन है, स्टेट बताने के लिए, है ना, कि हमारा जो मूड है वो किस तरह का है, आप खुश हो, आप गुस्से में हो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे लव है, हेट है, ये सब क्या है ना, ये हमारे मन की स्थिति होती है, फीलिंग होती है ना, जिसे फील किया जा सके। कोई भी चीज़ जिसे हम फील करते हैं उसको भी नाउन कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई आइडिया है, आइडिया नहीं, कोई थॉट है, विचार है, जैसे कि सत्य। अब सत्य एक क्या है, एक आइडिया है, एक विचार है कि भाई हाँ सत्य क्या होता है। अब इसको छू नहीं सकता, है ना, समझ रहे हो। जैसे ईमानदारी, अब ये क्या है, गुण है, ये तो एक विचार है भाई, ईमानदार क्या होता है, तो एक आइडिया है। करेज, courage, करेज यानी साहस, है ना, ये भी किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है ना। तो ये क्या है, आइडियाज हैं। तो ये भी सब क्या हुए, नाउन हुए। ओके, तो इस तरह से किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग या आइडिया के नाम को नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो। तो डेफिनेशन बच्चों इसकी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। ओके, तो इसके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, अब नाउन बच्चों आपको ये पता चल गया कि किसी भी पर्सन, कोई प्लेस, एनिमल, ठीक है, थिंग या आइडिया जो भी है, इन सब के नाम को नाउन कहा जाता है। तो हम इन नाउन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि नाउन जो है कितने तरह के होते हैं, है ना। तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं, तो फोर टाइप्स में इसको हम क्लासिफाई करेंगे।
टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, तो कॉमन जैसे आप यहाँ समझ रहे हो, देखो कॉमन का क्या मतलब है, कॉमन का मतलब है जो सभी के लिए आए, है ना, ऐसा कोई नेम जो सभी के लिए आए, कॉमन हो सभी के लिए, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो कॉमन नाउन टेल्स, यानी कॉमन नाउन बताता है द कॉमन नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। तो किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग के कॉमन नेम के बारे में कॉमन नाउन बताता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने लिखा है बॉय, बी ओ वाई बॉय, बॉय यानी लड़का। अब लड़के से हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सभी के लिए क्या आता है, बॉय आता है। जब मैंने बोला बॉय तो इसका मतलब मैं किसी खास, मान लो मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भरतपुर शहर के जितने भी लड़के हैं उन्हीं के बारे, उन्हीं को बॉय कहेंगे। अरे इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सभी को बॉय ही कहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, यूज्ड फॉर ऑल द बॉयज़, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी बॉयज़ हैं उन सभी के लिए हम बॉय इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब बी ओ वाई बॉय, यानी ये जो बॉय शब्द है, जो वर्ड है, ये क्या है, सभी के लिए है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। ऐसे ही जब मैंने बोला स्कूल, तो स्कूल मतलब अब दुनिया में जितने भी सारे स्कूल्स हैं तो सारे स्कूल्स आ जाएंगे, है ना, तो यूज्ड फॉर ऑल स्कूल्स, है ना। ऐसे ही मान लो मैंने कहा डॉग, अब डॉग का क्या मतलब है, डॉग किसको बता रहा है, किसी एक कुत्ते को बता रहा है या दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उन सबको बता रहा है, तो सबको बता रहा है, यानी कॉमन हो गया सभी के लिए। तो डॉग क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, यूज्ड फॉर ऑल द डॉग्स। ऐसी बुक, तो बुक क्या क्या मतलब है, सभी बुक्स, दुनिया में जितनी भी सारी बुक्स हैं, सारी बुक्स, तो यूज्ड फॉर ऑल द बुक्स, ओके। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ओके। बट लेकिन नेम ऑफ एनी बॉय, मैंने कहा जब बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन उन सभी बॉयज़ में हर लड़के का अपना नाम अलग होता है ना। मान लो किसी लड़के का नाम है राम, ठीक है, तो क्या हो गया, अब राम जो है अब ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नाम राम जो है किसी खास